हेलो फ्रेंड्स, कितना मस्त मौसम है। देखो बारिश हो रही है और सोचा फिर आज बच्चों के लिए क्यों नहीं गर्मा गर्म मिनी पिज्ज़ा बनाया जाए, जो आप भी इजीली बना सकते हो। पैन में ही बना रहे हम, ओवन यूज़ नहीं करेंगे। और चलो बनाते हैं। ये ले लिया मैंने एक कप तो मैदा, इसमें डाल दिया मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया है, ये इजीली आपको मिल जाएगा। ये शक्कर है, ऑयल और नमक है। एक कप मैदा है, इसमें हमने एक चम्मच ईस्ट डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे एक स्पून जैसे नमक, अरे सॉरी शक्कर। ये शक्कर मैं ऐसे डाल रही हूँ, मेरे हाथ में ये पीसी हुई शक्कर डाल रहे हैं हम एक चम्मच, और ये एक चम्मच नमक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये गुनगुना पानी है, वार्म वाटर, जिसमें हम उंगली डाले तो हमारी उंगली जले नहीं, ऐसे नॉर्मल वाला वाटर। उसमें ऑयल डाल के थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया। और इसको हम रखेंगे एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, इसको ढक के रखना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। और ये एक साइड पे हमें सॉस बना लेना है, जिसमें हमने लिया टोमेटो सॉस और मायोनीज और ऑरिगानो, जो तीनों को मिक्स करके उसका पेस्ट बना लेना है। और ये कुछ वेजीज है जो घर में अवेलेबल रहती है। और ये बन गया देखो अच्छे से। इसको हमें अब इसका डो बना लेना है मैदे में, मैदे का आटा लेना है सूखा, उसमें ही हमने अलट पलट करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। और देखो मैंने प्री हीट पर रख दी थी मेरी कढ़ाई, क्योंकि मुझे मिनी पिज्ज़ा ही बनाना है, तो इसमें ही मैंने डो डाल के थोड़ा सा हाथ से ही स्प्रेड कर लिया। और इस पर मैंने इसकी ये स्पून के इससे ना हॉल कर लिए छोटे छोटे, 10 मिनट तक अच्छे से इसको पकने दिया मीडियम आंच पे। और देखो इन्हें मैंने पलट लिया, कैसा अच्छे से थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इस पर सॉस लगा लेंगे, स्प्रेड कर देंगे। और इस पर ही हम मोज़रेला चीज़ या नॉर्मल चीज़ भी हो वो भी चलेगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बस इसके ही ऊपर हमें वेजीज़ डालनी है, और घर में जो वेजीज़ हो हम उससे ही ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो अच्छे से वेजीज़ डाल दिए। और थोड़ा मेरे पास था घर में ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स, तो मैंने वो भी डाल दिए। आपके पास ना हो तो भी चलेगा। थोड़ा थोड़ा साइड पे मैंने बटर लगा दिया। और बस इसको मैंने 2 मिनट ऐसे ढक के पकाया था, आप ना भी पकाए तो भी चलेगा। और देखो ये फर्स्ट 10 मिनट में इतना अच्छे से बन जाता है ना, उसके बाद बच्चों को दो गर्मा गर्म, बच्चों को बहुत मज़ा आ जाएगा अपने। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और ये बहुत ही ईजी है।